इस वक्त मैं आम्रपाली ड्रीम वैली फेज़ टू में हूँ, यह ग्रेटर नोएडा में है और यहाँ पर इनमें कुल 9,000 फ्लैट्स हैं। लेकिन शुक्रवार को यहाँ पर एक बहुत बड़ी घटना हुई। शुक्रवार यानी 15 सितंबर, आप देख सकते हैं मेरे पीछे आपको जो ये ब्लू कलर का लिफ्ट दिख रहा है, इसी लिफ्ट में शुक्रवार की सुबह करीब 8 बजे 9 मजदूर चढ़कर यहाँ से ऊपर जाने के लिए, 15th फ्लोर पर काम करना था उनको, ऊपर जाने के लिए चढ़े, लेकिन 12वें फ्लोर तक जाते जाते लिफ्ट का केबल टूट गया और 12वें फ्लोर से यह लिफ्ट 9 मजदूरों के साथ गिरने लगा, फ्री फॉल करने लगा। और जब यह लिफ्ट गिरा 12वें फ्लोर से, तो जब नीचे आया तो उसमें 9 के 9 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घायल होने के बाद सभी मजदूरों को जिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर उनमें से 4 को तत्काल मृत घोषित कर दिया गया। बाकी जो 4 थे वो अगले दिन शनिवार की सुबह 5 बजे तक उनकी मौत हो गई। मृतक 8 मजदूरों में से 3 मजदूर यूपी के, 2 मजदूर बिहार के, 1 झारखंड के और बाकी बंगाल के थे। बिहार से विपोत मंडल 45 वर्षीय कटिहार बिहार से थे, अरुण मंडल बांका बिहार से थे, इस्ताक अली बलरामपुर से थे, आरिस खान अमरोहा से थे, अरबाज अली जिनकी उम्र महज 16 साल थी, जो यहां पर अपनी पढ़ाई के लिए आए थे, कुछ दिन पहले उनके भाई की डेथ हुई थी, यह मेरठ से थे और नाबालिग थे, इनकी भी उस लिफ्ट में गिरने के कारण मौत हो गई। इसके अलावा कुलदीप पाल, ग्राम अली, ये सारे लोग भी इसी घटना में मारे गए। कैफ जिनकी उम्र 21 साल है, वो अभी भी जिला अस्पताल में वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। हमने उनके पिता से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह इतने सदमे में हैं कि वह बात नहीं कर पा रहे हैं। जैसे लिफ्ट जैसे टूटा है, सीधे घप दे नीचे आया, छिनगारी फेंकते हुए आया। हाँ, तब सब लोग के हल्ला करे हो, तब सब लोग गए हैं उसको बचाने के लिए, तो वो आदमी घायल हो गया। अब क्या, 4 को मौत हो गया यहीं पर और सबको ले गए थे एम्बुलेंस के, तो शोधन तो आया नहीं। ये वेल्डिंग करने के लिए ऊपर जा रहे थे और 8:30 बजे की टाइम थी, काफ़ी पब्लिक भी थी, लिफ्ट में सब चढ़ेंगे इसलिए, तो थोड़ी बहुत भीड़ थी इसलिए कुछ लोग रह गए और ये जिनके एक्सीडेंट हो गए ये लोग ऊपर चढ़ गए। जैसे 12वीं मंजिल में जाके लिफ्ट रुकती है, उसके बाद ये लिफ्ट का जो है मोटर, मतलब वायर, उसका रोप जो होता है, रोप कट जाता है, कट के ये सीधा नीचे आ जाता है। उतने में हमारे यहाँ खबर आती है कि लिफ्ट गिर गया, हम भी जाते हैं। जाने के बाद सब लोग इकट्ठा होते हैं, देखते हैं वहाँ एक्सीडेंट हो रखा है। उसी समय जो 2 गाड़ी आता है वहाँ से, एक ब्लोरो आता है, एक पिकअप टाइप का कुछ गाड़ी आता है। आने के बाद 3 को जो ब्लोरो में लिया जाता है और बाकियों को पिकअप में लिया जाता है, और 1 को जो है 3 बंदे लेके पैदल ही चले गए। उनके जाने के बाद सुनने में आया कि 4 की देहांत हो गया और बाकी जो है वो हॉस्पिटलाइज है। इतना ही सुनने में आया, बाकी उसके बाद हमें खबर नहीं आया। कुछ देर बाद पुलिस वाले आए, पुलिस वाले आने के बाद हमें कहा गया कि 2 घंटे के अंदर साइट खाली कर दो। अब हम ठहरे बाल बच्चे वाले आदमी, 2 घंटे में तो जा नहीं सकते, देखना पड़ेगा, पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा। उस दिन से ना तो कोई ठेकेदार का खबर है ना कंपनी की खबर। हमें दिलासा दिया जा रहा है कि रुको, काम चालू होगा, आप लोग रहो, हम रह रहे हैं लेकिन काफ़ी दिन से बैठे हैं। अब हम ठेकेदारों से पैसे मांग रहे, हमें पैसे दिया जाएगा तो आज ही हम चले जाएंगे। बस इतना ही आ रहा है काम के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, खबर कोई हमें ठीक ठाक मिल नहीं रही, और हमारे ठेकेदार जो है वो भी सब गायब है। सुबह 8 बजे बारिश भी हो रही थी और बारिश होने के कारण धीरे धीरे करके लोग ऊपर जा रहे थे। 9 लोग जब चढ़े तो मोटर जो लिफ्ट का होता है वो काम करना उसने बंद कर दिया और वायर भी टूट गया, जिसकी वजह से ये फ्री फॉल हुआ। और फ्री फॉल होने के बाद, जो कि होना चाहिए इस तरह के कंस्ट्रक्शन साइट पर, वह नहीं हुआ कि इसके नीचे एक सेफ्टी नेट होना चाहिए, एक जाल होनी चाहिए कि अगर कोई गिरता है तो उस जाल पर वो गिरे और उसको चोट ना लगे। लेकिन वो सेफ्टी नेट भी यहाँ मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से जो मजदूर नीचे गिरे वो बुरी तरह घायल हुए। 12वें फ्लोर से फ्री फॉल होके कोई गिरेगा तो उसकी क्या हालत होगी, वो आप वीडियो में देख रहे होंगे। ये वीडियो यहाँ के मजदूरों ने हमें उपलब्ध कराया और इसको ब्लर करना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें जिस तरह की चोटें आई हैं वो काफ़ी
सेंसिटिव है। इन सारी वीडियो को यहाँ के मजदूरों ने ही बनाया है और उन्होंने ही हमें उपलब्ध कराया है। उन्होंने हमें यह भी बताया कि घटना के बाद कोई एम्बुलेंस नहीं आई। इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट जिसमें 1000 से ज़्यादा मजदूर रह रहे हैं, 9000 से ज़्यादा फ्लैट बन रहे हैं, इस पूरे कंस्ट्रक्शन साइट के पास एक एम्बुलेंस कम से कम हमेशा मौजूद रहना चाहिए आपातकाल स्थिति के लिए, लेकिन वह मौजूद नहीं था। लिहाजा जिनको चोट लगी उन मजदूरों को, सभी मजदूरों को प्राइवेट गाड़ियों से, कुछ लोगों को बोलेरो गाड़ी में और कुछ लोगों को पिकअप गाड़ी में ले जाया गया। और एक मजदूर के लिए तो गाड़ी भी नहीं मिली, तो लोग यहाँ के लोग उसे कंधे पे उठाकर ले गए। मतलब बहुत ही क्रिटिकल हालत में थे, किसी का हाथ पैर जो है टूट गया, किसी के पैर से हड्डी निकल गई, मतलब बहुत सारे, दोबारा मतलब याद आने से हमारा रूह कांपती है, इसलिए हम बोलना नहीं चाह रहे। जो देख लिया सो देख लिया, बार बार बोलने से हमें भी कष्ट होता है बहुत, इसलिए हम नहीं बोलना चाहते दोबारा। यह प्रोजेक्ट आम्रपाली बिल्डर्स का है, लेकिन इसके निर्माण की जिम्मेदारी राष्ट्रीय भवन निर्माण यानी NBCC के पास थी। NBCC ने इसके अलग अलग ब्लॉक के निर्माण के लिए कई छोटे छोटे कंस्ट्रक्शन फर्म को हायर किया हुआ था। जिस टावर 12C में यह घटना हुई, जिससे लिफ्ट गिरने से मजदूरों की मौत हुई, उसकी जिम्मेदारी गिरधारी लाल कंस्ट्रक्शन कंपनी पे थी। लेकिन इस घटना के बाद प्रशासन ने इस पूरे कंस्ट्रक्शन साइट को बंद कर दिया और यहाँ पर किसी भी निर्माण पर रोक लगा दी गई है। यहाँ पर करीब 5000 मजदूर इस पूरे कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते थे और वह सारे अब घर जा रहे हैं। कुछ लोग घर जा रहे हैं तो कुछ लोग काम की तलाश में दूसरे साइट पर जा रहे हैं। अभी आए, अभी ऐसे हो गया, आगे चल के क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम जा रहे हैं गांव ही जाएंगे, अपना खेती किसानी करेंगे। हम पेट के लिए दौड़ते हैं आदमी, काम के लिए, आप देखो आदमी भाग रहा है यहाँ से, तो किसी का तो जिम्मेदार नहीं होगा ना, कोई लेगा से, हम जिम्मेदार है भाई, यहाँ रुक जाओ आप, यही बात है ना, कोई जिम्मेदार है नहीं। अभी कह रहे थे निकल जाओ यहाँ से, आदमी गुजर गया तो अभी तक क्या करेगा, ये तो दुख के बाद है। अभी सोच लो, वो लोग तो चला गया, हम लोग का भी मुश्किल हो गया, हम लोग कैसे इधर बैठेगा, काम धाम नहीं है, सब कुछ बंद हो गया, क्या खा के बैठेगा इधर। पुलिस ने इस घटना पर कार्रवाई करते हुए गिरधारी लाल कंस्ट्रक्शन कंपनी के GM हरीश शर्मा और लव अरोड़ा, NBCC गौतम बुद्ध नगर के GM विकास और आदित्य, आम्रपाली ड्रीम वैली साइट इंचार्ज राहुल सहित कुल 9 लोगों के खिलाफ IPC की धारा 304, 308, 337 सहित कुल 6 धाराओं में मामला दर्ज किया है और अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें गिरधारी लाल कंस्ट्रक्शन कंपनी के अधिकारी शामिल है। वहीं दूसरी तरफ आम्रपाली ड्रीम प्रोजेक्ट के इस साइट पर करीब 5000 मजदूर काम करते थे, जिसमें 3000 मजदूर वहाँ से काम छोड़कर जा चुके हैं और बाकी जाने की तैयारी कर रहे हैं। नोएडा से न्यूज लॉन्ड्री के लिए अनमोल प्रीतम। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए, ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।